हाय, 9th इंडियन सिने फिल्म फेस्टिवल 2021 मैं रूपांतर बरपात्रा गुहाई हूँ और इस फेस्टिवल में मेरा एक फिल्म सिलेक्शन हुआ है इपार डॉक्यूमेंट्री सेक्शन पे। तो मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ इसके लिए। इस फिल्म का आइडिया मेरे मन में एक दिन आया था और मेरे माँ ने भी बोला था कि इस सब्जेक्ट पर एक फिल्म बनाया जा सकता है, जो हमारा ब्रिज है, बोगीबिल ब्रिज, जो 20 साल लग गई उसको बनने के लिए। एशिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट और इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड काम रेल ब्रिज है। तो उसका बनने से उसके नीचे जो दो घाट था, जो दो पोर्ट था, कारेंग और बोगीबिल पोर्ट, उसका जो जनजीवन था, उसका जो सभ्यता, वो बरसों पुराना जो एक वहाँ पर कारोबार चलता था, वो लुप्त हो गया, वो सिविलाइजेशन गुम हो गया। तो वो जो सिविलाइजेशन था, वो जो इमोशन था, उसको वहाँ पर काम करने वाले एक लोग के जरिए उसके पर्सपेक्टिव में, उसके फ्लैशबैक में मैंने दिखाने की कोशिश की है उस घाट के जनजीवन को। तो बेसिकली आइडिया वही था और चैलेंजेस था, बजट का चैलेंज था कि क्योंकि इतना पैसा हम इकट्ठा नहीं कर पाए थे और इतना पैसा भी वहाँ पर मतलब खर्च करने में दिकदार होता था। और जो बजट था, जो फंडिंग, हमारे कोई फंडिंग एजेंसी नहीं है, खुद का पैसा हमने वहाँ पर इन्वेस्ट किया था। HDBPG प्रोडक्शन हमने बनाया था, लेकिन वहाँ पर खुद का पैसा हमने इन्वेस्ट किया और 20-25 लोग वहाँ पर जुड़े हुए थे इस फिल्म में। काफ़ी सारे चैलेंजेस था फिल्म को बनाने में। एक तो चैलेंज था कि वहाँ पर बहुत दास्त और गर्मी था, तो उसमें कैमरा ख़राब ना हो जाए। फेरी में जब हम शूटिंग किया था, तब कैमरा पानी में गिर ना जाए, वैसा कुछ डर था। और बहुत सारे शॉट हमें दौड़ दौड़ कर लेना पड़ता था रैंडमली, क्योंकि इतना प्लान करके वहाँ पर सब शॉट लिया नहीं जा सकता था। और ऐसे सब्जेक्ट में तो भाग भाग कर दौड़ दौड़ कर लेना पड़ता था। और एक चैलेंज था कि वहाँ पर दूर दूर तक चार्ज देने के लिए कोई दुकान या कारेंट नहीं था, तो दोपहर 1 या 2 बजे हर दिन कैमरा का चार्ज ख़त्म हो जाता था। तो चार्ज देने के लिए वहाँ पर बहुत दूर जाना पड़ता था। उसके बाद जब हम लौटता था तो शाम हो जाते थे। तो ये भी एक चैलेंज था। और जो फिल्म लास्ट में बना, उसमें ऑलमोस्ट जो एक्सपेक्टेशन हमने किया था वहाँ पर खरा उतरा है। हाल ही में 6th दुर्गापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को सेकेंड रनर्स अप का अवार्ड भी मिला। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन हमने किया था वहाँ पर खरा उतरा है इस फिल्म। इस फिल्म वहाँ पर खरा उतरा है इस फिल्म। इस फिल्म का टारगेट ऑडियंस जो है वो कॉमन पीपल है, मास ऑडियंस है, क्योंकि इस फिल्म का USP भी वही है, मास ऑडियंस का, मास पीपल का एक सब्जेक्ट है। जो लाखों लोग वहाँ पर पारापार होते थे, हज़ारों लोगों का वहाँ पर बिजनेस था, छोटे छोटे दुकान, वहाँ पर कूली था, फेरी में काम करने वाला वो आदमी, गाना गाने वाला आदमी, बहुत सारे लोगों का जरिया था पैसा कमाने का। तो उन लोगों का इमोशन, उन लोगों का जो मतलब नॉस्टैल्जिया इस घाट से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों का कहानी है। इसीलिए USP भी वो कॉमन पीपल का ही है फिल्म का। प्रमोशन में हमने काफ़ी सारी, अभी प्रमोशन हो रहा है फिल्म का। हाल ही में जो दुर्गापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला, उसने बहुत सारे हेल्प किया। अभी बहुत सारे न्यूज़पेपर और TV चैनलों में भी इपार हिपार का न्यूज़ आने लगा है, और फेसबुक ट्विटर पर भी बहुत सारे प्रमोशन हो रहा है अभी। और 9th फिल्म फेस्ट इंडियन सिने फिल्म फेस्टिवल पे सिलेक्शन हुआ, उसका भी प्रमोशन हो रहा है। तो सोच रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि स्क्रीनिंग कराओ फिल्म का, स्क्रीनिंग भी करने का प्लान एक है। क्यों लोग देखें? क्योंकि इस फिल्म का जो कम्युनिकेशन, बहुत सारे इलाकों में अभी भी इंडिया के कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना हुआ है, तो लोग उसको जाने। ऐसे सभ्यता है, ऐसे सिविलाइजेशन, संस्कृति, जो घाट का, पोर्ट का सिविलाइजेशन, जो हज़ारों लोग वहाँ पर काम करने वाला लोग था, उनका दर्द, उनका इमोशन, और जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग वहाँ पर उसका रोज़गार वहाँ से निकला था। तो ये सब सारे इमोशन, सारे मतलब नॉस्टैल्जिया इस घाट से जुड़ा हुआ है, इस पोर्ट से। तो उसको लोग जाने, उससे कनेक्ट करें। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस फिल्म को लोग देखें। और मेरे फेसबुक अकाउंट पे आप लोग जोड़ सकते हैं, रूपांतर बरपात्रा गुहाई, इंस्टाग्राम भी है, और rbrupantar@gmail.com ये मेरा ईमेल आईडी है। वहाँ पर भी आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस फिल्म को
नाइन्थ इंडियन सिने फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट करने में, ऑफिशियल सिलेक्शन मिलने में बहुत खुशी मिले है। बहुत थैंक यू बोलता हूँ आप सभी लोगों को। और नाइन्थ इंडियन सिने फिल्म फेस्टिवल 2021 बहुत सफल हो, बहुत सक्सेसफुल हो, इस पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन हो, मैं तहे दिल से ये चाहता हूँ। और लास्ट में मेरा फिल्म सिलेक्शन करने में बहुत मुझे खुशी मिला है। और इस प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में हमारे पूरी यूनिट के तरफ से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।